नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों कल इन दो स्टॉक्स में ध्यान रखना है, कल इनमें तेजी आ सकती है और तेजी आने के पीछे का रीजन है इनके क्वार्टरली नंबर्स। देखिए बहुत सारे लोग जब हमारे वीडियो को देखते हैं और जब मैं कहता हूँ नंबर्स अच्छे आए हैं तेजी आ सकती है तो वो खरीद लेते हैं कल स्टॉक को ओपन होते ही। इस तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है जब मैं रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक उनके लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू होगा तो मैं टेक्निकल बेसिस पे आपके साथ ओपन मार्केट में शेयर करता हूँ, लाइक IRCTC जैसे कि हमने शेयर करा, अभी जुबिलेंट फूडवर्क शेयर करा है, वो ट्रेडिंग पर्पस से शेयर करा। ये रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक तेजी में आ सकता है, मे बी ना भी आए, हो सकता है ना पॉसिबल, क्योंकि जरूरी नहीं है स्टॉक के जो नंबर्स आए उस पर स्टॉक रिएक्ट करे ही करे, तो फ्रेश एंट्री की राय नहीं होती है। लेकिन जिसके पास स्टॉक है उसे इतना पता होना चाहिए भाई मेरी कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं। अब स्टॉक का भाव कल कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है कि अगले 3 महीने के लिए मेरा व्यू स्टॉक को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए, मुझे बेचना नहीं है अपना शेयर, ये व्यू होना चाहिए। और उसके बाद कुछ टेक्निकल बेसिस पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बता दिया जाएगा। हाँ, चार्ट पैटर्न में भी ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे खरीद सकते हो आप, रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली मैं वीडियो के दौरान ही आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डिस्क्लेमर इसलिए था क्योंकि काफी लोग जब मैं कहता हूँ रिजल्ट अच्छे आए तो खरीद लेते हैं और स्टॉक अगर नहीं बढ़ता तो उन्हें लॉस हो जाता है। कभी कभार खराब नंबर पे वो बेचते भी और नई स्टॉक गिरता तो लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियरिफाई कर दिया। अब आते हैं स्टॉक्स पे, तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। शानदार नंबर पेश करे हैं कंपनी ने, हर एक पैमाने पे तगड़े नंबर है। स्टार्ट करता हूं, देखिए सबसे पहले अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक की, तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि साल दर साल 17.8 करोड़ से बढ़कर, यानी ऑलमोस्ट 18 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है, यानी कि 17.8 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने साल दर साल, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% जंप हुआ है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 14.4 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ का प्रॉफिट है, तो तगड़े नंबर दिख रहे हैं प्रॉफिट के नंबर्स। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहां भी अच्छा इजाफा है, 271 करोड़ से बढ़कर 376 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने रेवेन्यू यानी आय पेश करी है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर कंपेयर करें तो 256 करोड़ के सामने 376 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोनों ही जगह बढ़िया दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा भी लगभग लगभग आपके लिए 50% से ज्यादा जंप होता हुआ दिखा है, 32 करोड़ के सामने 50 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, यानी एबिटा, तो तंगड़े नंबर है हर एक पैमाने पर। बात करें एबिटा मार्जिन की तो 11.81% से बढ़कर 13.3% के हो गए, यानी कि एबिटा मार्जिन में भी अच्छा इजाफा है। टेक्निकल बेसिस पे अब स्टॉक को देख लेते हैं, हर एक तरफ से स्टॉक अच्छा दिखता है, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक टेक्निकली कैसा लिख रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 644 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है स्टॉक में, नीचे से अराउंड फरवरी में 384 रुपए का भाव था, जैसे वन साइडेड तेजी आई, मार्च 13 तक 700 रुपए का हाई लगा, उसके बाद एक गिरावट और उसके बाद कंटिन्यू कंसोलिडेशन में चल रहा है साइडवेज में। स्टॉक जिसके पास है वो स्टॉप लॉस रखे, बॉटम जो है 636.30 के समथिंग का है, और फ्रेश एंट्री अगर आप लोगे भी तो आपका स्टॉप लॉस 636 से 630 के बीच का ही होना चाहिए, यानी कि यहां से 2% का। ऊपर की बात करी तो रेंज में पहला टारगेट 668 का है, दूसरा टारगेट अराउंड 690 के समथिंग का है, तो ये दो टारगेट स्टॉक में शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टॉक पे, तो दोस्तों फार्मा स्टॉक्स टेक्निकली तो आपको दिख ही रहा है लास्ट मंथ से अच्छा मूव कर रहे हैं, चाहे वो ऑरो हो, चाहे वो ग्लेनमार्क हो, जाइडस हो, लॉरस लैब हो, मतलब बायोकॉन हो, सब में एक तेजी बन रही है। इसी तर्क पे एलेम्बिक फार्मा के वे स्टॉक के नंबर्स आए कल, सॉरी परसों के सेशन में 5 मई को 5:30 बजे के सप्ते, नंबर बहुत जोरदार दिख रहे हैं, बहुत जोरदार। कैसे? प्रॉफिट साल दर साल तो 21 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ का हो गया, 7 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, 7 गुना साल दर साल। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक दिखेगा आपको, ईयर ऑन ईयर बेस पे तो एक्सेप्शनल जंप है, तंगड़ी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 122 करोड़ के सामने 153 करोड़ का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, तो बड़ी बढ़िया नंबर दिखे मुझे ये। कामकाजी मुनाफा 160 करोड़ से बढ़कर 212 करोड़ पे हुआ है और मार्जिन का इंप्रूवमेंट शानदार है, 11.3% से बढ़कर 15.09%,
मार्जिन्स में ये जो जंप है ये मुझे लगता है ज्यादा सपोर्ट करेगा स्टॉक को, और ₹8 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अपने निवेशकों को दिया है। अब स्टॉक का भाव देख लेते हैं कि आगे कैसा ट्रेड कर सकता है, टेक्निकली कैसा दिखता है। तो एलेम्बिक फार्मा, देखिए एलेम्बिक लिमिटेड भी है, एक एलेम्बिक फार्मा है, फार्मा की बात कर रहा हूं जो कि 554 पे बंद हुआ है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये वो स्टॉक है जो आप चाहो तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। एक महीने में कंटिन्यू हायर हाइज, तीन महीने से बड़ी तेजी बनी है, और इस स्टॉक में अगर आप लेते हो तो एक स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी अपसाइड बन सकती है अगर स्टॉप लॉस ट्रेड अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो। देखिए इस स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हो तो 540 का स्टॉप लॉस है, 554 पे बंद हुआ है। ये स्टॉक आपको ऊपर में लगभग 600 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है, 580 से लेकर 600 तक, और उसके बाद भी और तेजी बन सकती है अगर इस स्टॉक में कंटिन्यू मोमेंटम रहा तो, हाईर हाइज बने तो। जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा आप बने रहो, और अपने हर एक दिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे आप, क्योंकि वो प्रीवियस लो जो है हर बार नया बनेगा। तो इस तरीके से आप, मुझे लगता है, इस स्टॉक को चाहो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा कंपलसरी है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में अभी भी कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आई है। ये स्टॉक लगभग एक साल पहले आपके लिए 750 पर ट्रेड करता था, जिसने 462 का लो लगाया और अभी 554 पे है, लेकिन नंबर शानदार आने के कारण मुझे लगता है ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।